तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप किस तरह से कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के एग्ज़ाम में ये आ ही जाता है, और मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो बना ही लेता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि कंप्लेन लेटर होता क्या है। तो कंप्लेन लेटर वो होता है अगर हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम है और उसका शिकायत करते हुए हम किसी ओनर को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी म्यूनिसिपैलिटी को अगर हम लेटर लिखते हैं तो वो कंप्लेन लेटर कहा जाएगा। तो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, यू आर अमित अनिता ऑफ 1057A पार्क रोड कोलकाता 7000014। तो इस क्वेश्चन में कह दिया है कि हमारा नाम अमित है या अनीता, और ये हमारा एड्रेस है 1057A पार्क रोड कोलकाता। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। तो हमें कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को एक लेटर लिखना होगा जिसमें हम अपने ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लेटर स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में होगा सेंडर्स एड्रेस। यहाँ सेंडर्स एड्रेस का मतलब है जो ये लेटर सेंड कर रहा है, और यहाँ हम लेटर को सेंड करने वाले हैं तो यहाँ हमारा एड्रेस होगा। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि हम अमित या अनीता है, और ये हमारा एड्रेस है 1057A पार्क रोड कोलकाता। तो हमें यहाँ अपना एड्रेस लिखना होगा। तो उसके बाद सिंपली एक लाइन छोड़कर हमें यहाँ डेट देना होगा 1 जनवरी 2018। हम यहाँ उसी दिन का डेट देंगे जब ये लेटर हम लिख रहे हैं। उसके बाद फिर से हमें एक लाइन छोड़ना होगा। उसके बाद हम लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। यहाँ रिसीवर एड्रेस उनका एड्रेस होगा जो ये लेटर रिसीव करने वाला है, मतलब हम जिसे ये लेटर भेजने वाले हैं। तो ये लेटर हम कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को भेजने वाले हैं, तो यहाँ उनका एड्रेस होगा। तो एड्रेस को हम इस तरह से लिखेंगे, टू द चेयरमैन कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट होगा कंप्लेन अबाउट द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। और याद रहे, अब जितना हो सके उतना छोटा लिखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम यहाँ लिखेंगे सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर और मैम। उसके बाद हम अपना बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं बॉडी किस तरह से स्टार्ट करेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ आवर लोकेलिटी विच इज ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। तो इस लाइन में ये कहा गया है कि हमारे लोकेलिटी में जो सबसे सीरियस प्रॉब्लम है, जो कि है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, आप वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करें। आई एम अ रेसिडेंट ऑफ 1057A अंडर वार्ड नंबर 14 ऑफ योर म्यूनिसिपैलिटी। तो इस लाइन में ये कहा गया है कि मैं आपके ही म्यूनिसिपैलिटी का 1057A जो कि वार्ड नंबर 14 के अंदर पड़ता है, मैं वहाँ का रेसिडेंट हूँ। ऑल द रेसिडेंट ऑफ दिस लोकेलिटी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ड्यू टू लेस नंबर ऑफ बसेस। इस लोकेलिटी के सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है क्योंकि इस रोड पर चलने वाले बस बहुत ही ज़्यादा कम है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स नेवर मीट द डिमांड ऑफ द पीपल। व्हीकल के नंबर कम होने की वजह से वो लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ओल्ड एंड वॉर्न बसेस कैरिंग पैसेंजर ओवरहेड इज अ कॉमन साइट वेयर एवर इज अ बस रूट। जहाँ जहाँ बस रूट है हमें वहाँ पर पुराने टूटे फूटे बस ही देखते हैं जो पैसेंजर को कैरी किए हुए ले जा रहे हैं। बसेस एंड मिनी बसेस आर ऑलवेज शॉर्ट इन नंबर। इस रास्ते पर बड़े बस हो या छोटे बस, सभी बहुत कम पाए जाते हैं। एमिनिटीज ऑफ पैसेंजर आर नेवर टेकन केयर ऑफ। लोगों की ज़रूरतों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। देयर इज अ रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग ऑन द रोड फुल ऑफ पाथ होल्स लेड टू फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट। इन रास्तों पर आए दिन बहुत सारी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है क्योंकि इन रास्तों पर बहुत ही बड़े बड़े होल बन चुके हैं, ये रास्ते टूट चुके हैं। समटाइम्स वी हैड टू कैरी अ पेशेंट ऑन स्ट्रेचर अ क्वार्टर ऑफ ए माइल टू अवेल द सर्विस ऑफ एम्बुलेंस। कई कबार अगर हमें कोई पेशेंट को ले जाना हो तो पहले हमें उन्हें स्ट्रेचर पर कई माइल तक चलना पड़ता है, उनके बाद ही हमें एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाती है। एस वी हैड कंप्लेन मैनी टाइम्स
बट नो एक्शन हैज़ टू बी टेकन एस येट। जबकि हम बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं पर इस कंप्लेन के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। मे आई रिक्वेस्ट यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू काइंडली एड्रेस द प्रॉब्लम एट योर अर्लीस्ट। तो इस लेटर के माध्यम से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का समाधान करें। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, और इसके लिए मैं आपका बहुत ही बड़ा आभारी रहूँगा। तो उसके बाद हमें यहाँ सेंटर पर लिखना है थैंकिंग यू, उसके बाद सिंपली हम लेफ्ट कॉर्नर पर लिखेंगे योर्स फेथफुली, और सिंपली उसके नीचे यहाँ हमें अपना नाम लिखना होगा। तो ये था कंप्लेन लेटर लिखने का फुल प्रोसीड्यूर। अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।